नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लखनऊ में एक सबसे जो पूरे यूपी का आज सबसे हॉट चल रहा खबर वो है कोकरेल के आसपास बने जो अवैध बस्तियां थी, जिन अवैध बस्तियों को तोड़ा जा रहा है और लगभग 1200 के आसपास, 1250 के आसपास घरों को जमींदोज किया गया है। मेरे पीछे वो तस्वीरें हैं, वो कुकरेल है। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन को पास में आए और एक बार दिखाएं इस एरिए को, जो कुकरेल जिस तरह से अवैध बस्तियां बसाई गई अन्य अन्य सरकारों द्वारा और उन्हें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया गया, और प्रोत्साहित करने के बाद ये घर बने और इन घरों को बनाने के बाद उनको राशन से लेकर हर एक सुविधा उनको मुहैया कराई गई। और अब देखिए आज का हाल, योगी प्रशासन ने आखिरकार वो जो घर बनाए थे और घरों के बाद सोचिए, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से जाऊंगा, मुझे फ्रेम से हटाकर ये दिखाएं आगे, और आगे आकर के एक बार दिखाएं कि इसको, ये चीजों को दिखाएं एक बार। मैं चाहूंगा जिससे मैं समझाने में थोड़ा प्रयास करूं, ये देखिए सामने एक कुकरेल नाला दिख रहा है, ये बगल में देखिए जो घर टूटे हुए लोग हैं, ये देखिए बगल में घर टूटे हुए हैं। अब देखिए ये घर जो टूटे हुए हैं, ये घर इस जगह पे ये सारे घर अवैध थे, और महज चंद सेकंड की दूरी पर देखिए, महज यहां अगर ये नाले पर देखा जाए, देखिए वो मस्जिद बनकर तैयार है। मैं चाहूंगा एक बार जूम करके दिखाएं, वो मस्जिद बनकर भी तैयार है। और देखिए ये पूरा का पूरा एरिया जो आपके सामने दिख रहा है, और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से सरकारों के कहीं ना कहीं शह में बनाई गई, उसके बाद किस तरह से बाद में इनको राशन कार्ड से बात दिए गए, सब कुछ किया गया। और अब देखिए क्या आपके सामने है, वो सारा दृश्य आपके सामने है। लगभग 1200 से ज्यादा घरों को यहां पर तोड़ा गया है। हालांकि इनको लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर बसंत कुंज में आवंटित किए गए हैं और लोगों को यहां से विस्थापित करके वहां ले जाया गया है। लेकिन ये काफी बड़ी, आपको दिख रहा है दूर दूर तक, कैमरे की नजर से आपको देख रहे हैं, दूर दूर तक देखिए आप उस साइड देखिए, अगर कैमरा पर्सन चाहूंगा दिखाना चाहे उस थोड़ा दूसरे तरफ दिखाना है ज्यादा दूर से। भैया वो मदरसा है क्या उधर जो बना हुआ? वो मस्जिद है, वो मदरसा है, ये मस्जिद है, दो मस्जिदें हैं। वो मदरसा है, मस्जिद है, मस्जिद है। और ये मस्जिद है, वो वाली मदरसा है, इसे मदरसा भी है, वो मस्जिद। तो देखिए ये दिख रहा है, मैं लोगों से पूछ रहा था, तो ये जो पीछे दिख रहा है वो आपके सामने मस्जिद और मदरसा है। और जस्ट ये देखिए दूसरी तरफ दिखा रहे हैं, ये जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर मदरसा और मस्जिद है। और इस समय यहाँ पर ऑलमोस्ट चीजें समतल कर दी गई हैं, लेकिन अभी ये जो मदरसे और मस्जिद अभी एज इट इज है, और अभी देखते हैं इसके लेकर के क्या सरकार की कार्रवाई। हालांकि एक बार जूम करके दिखाएं, उन मदरसे के पीछे कोई घर था जिसको तोड़ा गया है, उसकी छत की जो छत का जो मलबा है वो नीचे दिखा जा रहा है, और उसकी बेसमेंट में साफ तौर पर दिख रही है। तो ये पूरा का पूरा एरिया है, जो कि अब की बार जब पहले 10 मार्च तक इसका ध्वस्तीकरण का काम हुआ था, चुनाव के टाइम में इसको रोका गया था, और अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं, चुनाव खत्म होने के बाद से ही ये फिर से ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हो गया है। और लगभग अब तक कुल मिला करके अभी तक जो खबर आ रही है, लगभग 600 घरों को तोड़ दिया गया है। अब मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से मेरे पीछे आए आप सभी को, और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ दिखाते जाएं, और हम दिखाते जाते हैं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा यहाँ का इस समय का स्टेटस क्या है और क्या चल रहा है यहाँ पर। और देखिए हम रोड के दूसरी तरफ भी दिखाएंगे, एक रोड के दूसरी तरफ भी दिखाएं कुछ घरों को, या ये शोरूम्स हैं, यहाँ लगभग 101 शोरूम है। देखिए आपको दिख रहे हैं, रोड मेन रोड है, ये अयोध्या रोड है, ये अयोध्या रोड है जहां पर हम लोग खड़े हैं, आपको दिख रहे हैं ये अयोध्या रोड है। और इसके बगल में देखिए आप चलते आए, इसके बगल में ये शोरूम्स हैं, लगभग 101 शोरूम यहाँ पर, लगभग 101 शोरूम है जिनको इस अवैध निर्माण के उसमें लाया गया है। देखिए शासन प्रशासन ने भी यहाँ पर टेंट लगाए हुए हैं, देखिए पीछे देखिए पुलिस की गाड़ियां, आप देखिए पीएससी की गाड़ियां बैरिकेडिंग की हुई है, रास्ते को यहाँ पर रोका गया है क्योंकि जिससे कोई व्यवधान ना पैदा हो, यानी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, और कोई भी किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर
कोताही नहीं बढ़ती जा रही है पुलिस प्रशासन के भी द्वारा। अब देखिए मैं जो कह रहा था आपको, ये मेन रोड है, दिख रहा आपको, मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहा है, ये मेन रोड है और ये मेन रोड पर साफ तौर पर यहाँ दिख रहा आपको, ये दिख रहे हैं। मैं एक बार बीच में आता हूँ, एक बार फिर से आप कैमरा पर लीजिएगा। अब आप देखिए ये मेन रोड है और ये पीछे के देखिए एरिया मैं दिख रहा है, ये शोरूम थे, इन शोरूम को लगभग 101 शोरूम यहाँ पर हैं, 101 शोरूम भी इसके दायरे में आए हैं और इन सभी को तोड़ा गया है और इस रोड पर भारी व्हीकल को बैन कर दिया गया है, केवल मोटर बाइक और साइकिल ही यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, और लेकिन इसका सबसे बड़ा ये है कि वाकई में ये जो चीजें थी ये अवैध थी, ये चीजें अवैध थी, सरकार के द्वारा इनको वो किया गया। और देखिए यहाँ पर अलग अलग से सरकार के द्वारा लोगों को रहने के लिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए अलग टेंट बनाए गए हैं, उनकी तरफ भी नजर डालेंगे कि वो टेंट बनाए गए हैं। और देखिए इस तरह से, अब देखिए अभी ध्वस्तीकरण का काम चालू है और मलबे को हटाए जाने का काम जारी है यहाँ पर, ये देखिए आपके सामने मलबे का हटाए जाने का काम जारी है और साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है कि ये मजदूर लगे हुए हैं। भैया कितने दिनों से आप काम कर रहे हो यहाँ पे? हाँ आप लोग कितने दिन से भैया काम कर रहे हो? 2001 से पहले काम करते थे। नहीं यहाँ कब से काम कर रहे हो? टूट रहा है यहाँ, हम कल से आए हैं। कल से आए हैं जी। क्या काम मिला आपको यहाँ पर? यही सरिया वरिया हम लोग मलबा तोड़ रहे हैं यहाँ पर जी। अच्छा अच्छा, तो ये पूरा का पूरा अभी कल से आए आप लोग जी, जी, जी। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको मलबे को तोड़ करके इसको वापस गाड़ियों में भर के ले जाएंगे कि यहाँ यहीं पे मलबे को क्या करने, क्या है कुछ इसमें? अब हम सब कहाँ ले जाओ जी भैया, मतलब अभी तोड़ने का आपको काम मिला हुआ सिर्फ? चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि मलबे को तोड़ रहे हैं और मलबे तोड़े जा रहे हैं यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा एरिया आपके सामने दिख रहा है, सरकार के द्वारा अवैध था और ये अवैध बस्तियों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। और ये अवैध बस्तियों को तोड़ा जाना, अब एक मैं सबसे अहम मुद्दे पर आऊंगा और उस अहम मुद्दे की तरफ बढ़ूंगा, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन एक बार आए और मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा आगे बढ़ूंगा और दिखाना चाहूंगा आपको कुछ चीजों को जिसको आपको कुछ समझ में आए। अब सोचिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्टोरी को टर्न लूंगा और टर्न इसलिए लूंगा क्योंकि कुछ चीजों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। टर्न इसलिए लूंगा मैं यहाँ पर कि ये देखिए, ये बगल में मैं इसमें दिख रहा हूँ, बगल में वो चल रहा है, ये कुकरेल नाला चल रहा है और उसके जस्ट बगल में लोगों ने किस तरह से रिहायशी इलाके बनाए और महज चंद सेकेंड की दूरी पर, महज चंद सेकेंड की दूरी पर ये देखिए मस्जिद बनी हुई है। आप देखिए महज चंद सेकेंड की दूरी पर ये मस्जिद बनी हुई है। मैं एक बार कैमरा पर्सन से आऊंगा, देखिए ये देखिए, हम कई बार देखते हैं कि पहले मुसलमान बस्तियां बसाई जाती हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आने के बाद फिर क्या होता है, फिर होता है कि भैया उस जगह पर थोड़ा सा मजार बनाई जाती है, उस मजार बनाने के बाद फिर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया जाता है, धीरे धीरे लोग वहां पर बसने लगते हैं और फिर क्या होता है, पूरे एरिए पर कब्जा किया जाता है। कुछ इसी प्रकार से यहां भी दिख रहा है। अब सोचिए आप खुद कि ये देखिए कितना नजदीक ये यहाँ पर बना दिया गया है, मस्जिद भी है और यहाँ पर मदरसा भी बना दिया गया है, एक मदरसा एक मस्जिद यहाँ पर, ये सारा अवैध है, ये पूरा ध्वस्तीकरण का काम किया गया। इसके अलावा ये देखिए दूसरा मदरसा, मेरे दूसरे कैमरा पर्सन चाहूंगा दिखाए, यहाँ पर देखिए मदरसा दूसरा, ये पूरा का पूरा एरिया अवैध है। हम उस पार दिखाएंगे, अगर कैमरा पर्सन चाहेंगे कैमरा उस रोड के उस पार दिखाएं और देखिए ये रोड के उस पार का एरिया भी जो है वो पूर्ण रूप से अवैध है। यहाँ पर 101 शोरूम है, उन 101 शोरूमों को यहाँ पर साफ तौर पर आप देखिए 101 शोरूमों का ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल वो बोर्ड की तर्ज पर, मेरे पास एक बार मुझे फ्रेम मिले हैं, कुछ चीजों को बताना चाहेंगे, ये बिल्कुल वो बोर्ड की तर्ज पर यहाँ पूरा का पूरा खेल खेला जा रहा था, ये पूरा वो बोर्ड की तर्ज पर, यानी कि पहले जमीनों को वहां पर जमीन लीजिए आप, एक करिए कुछ लोग इकट्ठा हो, फिर वहां क्या करिए वहां पर थोड़ी सी मजार बना दी जाए, फिर मस्जिद बना दी जाए, फिर उसको पूरी तरह से अपना घेर लिया जाए और उस पर दावा ठोका जाए। वो बोर्ड यूं ही नहीं इतना बड़ा वो बना और आज देखिए आपके सामने ये उसका सबसे जीता जाता जागता उदाहरण है जो यहां पर दिख रहा है
और ये देखिए आज योगी आदित्यनाथ की सरकार इनको ध्वस्तीकरण कर रही है, इनको अवैध बताया है। और हालांकि इन सभी को एक योजना के तहत बसंत कुंज में प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को समस्याएं भी आ रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ पानी और उसकी बिजली की समस्याएं वहां पर हैं। लेकिन यहां पर कुछ चीजों को देखिए, सारा का सारा चीजें जो अभी की हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। आप लोग भैया यहीं से हैं क्या? भैया क्या है, क्या है हाल चाल है, कैसा, मतलब ये जो तोड़ा जा रहा है क्या आपको लग रहा है कि अवैध है या नहीं है? हाँ, ये तो बता रहे हैं कि अवैध है ना। क्या नाम आपका भैया? संजीव कुमार। संजीव जी बताइए, ये बगल में कुकरेल था जी, कुकरेल के जस्ट बगल में मस्जिद बना दी गई और ये बना दी गई, मतलब ये तो अवैध तरीके से, सरकार भी इसको अवैध कर रही है। तो क्या इस तरह से चीजें, आप बगल में रहते हैं, आपका घर है कि ये किराए पर रहते हैं? किराए पर। तो आप तो काफी दिनों से रहते होंगे? 16-17 साल से। तो ये जो बनाई गई है, क्या आपको लगता है इतने दिन से जो काम चल रहा है, जो चीजें हैं, कैसा आ रहा है यहाँ का, मतलब ये वाकई में ये अवैध है या लोग वैध है, धीरे धीरे करके लोग बसते गए और होता गया? लोग बताते हैं हाँ कि जो ये नदी है, हाँ नदी है, उसका धीरे धीरे लोग बसते गए, नदी बनाते गए। अगर तो आप लोग यहाँ से 16-17 साल से रहे हो, हालांकि मैं भी यहाँ से काफी नजदीक से हूँ तो मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आप बगल से रहते हैं तो बताइए। तो ये जो मस्जिद था, क्या ये मस्जिद आपको लगता है कि मस्जिद आपके सामने बना, पहले का बना हुआ है? पहले का बना हुआ। लेकिन ये तो नदी के पास में है ना, देखिए आप, ये नदी के पास में, पीछे वो रेलवे का ब्रिज भी है, तो नदी के पास में है। तो क्या आपको लगता है, क्या ये चीजें सही थी, सरकार सही कर रही है या नहीं कर रही, इस पर थोड़ा सवाल। ये तो सही कर रही है, सरकार सही कर रही है, ये लोग गलत बना लिए। देखिए संजीव कुमार जी का भी कहना है कि गलत बना लिए, लेकिन कहीं से भी जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप लोग उनको जानते थे नहीं जानते थे? नहीं, कुछ लोग थे वहाँ, कबाड़ी वाले लोग। हाँ, तो वो अपना जो है मकान मिल गया है, वहाँ रहने लगे। मकान मिल गया उनको? मैं सबको मकान मिले हैं जो जानने वाले हैं। हाँ, उनको पता है, हमको मिल गया, मतलब जानने वाले हैं तो मकान मिल गया, सबको मकान मिल गए होंगे? हाँ, जरूर मिले होंगे। हाँ, वो कह रहे हैं हम रह रहे हैं बढ़िया, अच्छे तरह से रह रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि प्लम्बर लोग हैं और लोग काम करने वाले यहाँ आसपास जाया करते थे। अच्छा, एक सवाल जरा थोड़ा सा आपको सीधा सीधा पूछ लेता हूँ, क्या मुस्लिम लोग ज्यादा यहाँ पर थे क्या? हम मुस्लिम लोग ज्यादा थे, मुस्लिम ही ज्यादा थे, क्योंकि जब मजार मस्जिद है तो इसका मतलब मदरसा है, तो मुस्लिम लोग ज्यादा थे। तो कहीं ऐसा नहीं कि तुष्टिकरण की राजनीति सरकार कर रही है इसलिए तोड़वा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो करेंगे तो क्या, एक किलो तो करेंगे, सबके लिए करेंगे, क्योंकि थोड़ा सबके लिए जा रहा है। लेकिन क्या ये मस्जिद, यहाँ पर जो मस्जिद है वो वैध है, आपको लगता है वैध है? आप यहाँ पे बगल में, आप इसमें जो नदी बनी है भाई, तो है अवैध होगी। देखिए यही सवाल है, यही पब्लिक जान नहीं देखिए, लेकिन फिर भी एक सवाल है अभी भी बन रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिनको हिंदू साम्राज्य का बड़ा वो कहा जाता है, लेकिन अभी भी कैमरा पर्सन से चाहूंगा, देखिए अभी भी मस्जिद को या जो यहाँ मदरसा उनको नहीं छुआ गया है, इनको नहीं छुआ गया है, और वो उसी तरह से अभी भी हैं। और आपके सामने मैं जो दिखा रहा हूँ चीजें, बहुत ही ज्यादा ये बहुत बड़ा एरिया है, हम कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया है, कुछ लोग हैं जो इस तरह से चीजें कर रहे हैं और यहाँ पर सामने आपके दिख रहा है। तो ये आपके सामने मैंने आपको दिखाया, तो आप सभी से अनुरोध करेंगे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, हर एक फोन तक पहुंचाइए, हमने आपको इस ग्राउंड की रिपोर्टिंग दिखाई है, और ये रिपोर्टिंग वाकई में ये आप सभी को ये बताना जरूरी था कि आखिर एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। और देखिए एक बार फिर से कैमरा पर्सन से जाऊंगा, चारों तरफ इसमें नजर डालें और देखिए, वही मैंने कहा, आप सभी से अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बने रहो ओनली न्यूज़ नेशन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं मानस मिश्रा, ओनली न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्राउंड पर आ चुका हूं, वक्फ बोर्ड देश की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी जमींदार है, और ये वक्फ बोर्ड हमेशा काम क्या होता है इसका, अवैध बस्तियों पर, अवैध जगहों पर या वैध जगहों पर भी कब्जा करना। आज वही हम दिखा रहे हैं, अकबरपुर एरिया है लखनऊ का, जो अयोध्या रोड से लगा हुआ, और देखिए साहब हो क्या रहा वहां पर। ये देखिए बगल में एक कुकरेल नाला है, कुकरेल नाले के बगल में महज मस्जिद बना दी गई, मदरसा बना दिया गया, और मस्जिद मदरसा बना करके लोग रहने लगे,
और पूरा का पूरा एरिया जो है वो जद में ले लिया गया एक खास समुदाय के। और आखिरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन में आई, 1216 घरों को, ये सामने आपके दिख रहा है, ये मलबे के रूप में धराशायी हो गए हैं। कुछ लोग हैं जो मलबे को साफ कर रहे हैं। देखिए चारों तरफ, स्क्रीन पर दिखाइए, ये सामने एक मस्जिद मदरसा है, दूसरे तरफ भी एक मस्जिद, आप दिखाइए, उधर दिखाइए, मेट्रो जा रही है, मेट्रो को दिखाइए जरा, ये देखिए विकास का कार्य यूपी में जारी है, बगल में मेट्रो जा रही है, और मेट्रो जाते हुए देखिए बगल में ये पूरा का पूरा एरिया काफी बड़ा है। हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अभी आगे जाना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मेरे पास सेफ्टी शूज नहीं है, सेफ्टी शूज की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये जो एरिया दिख रहा है, ये साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि यहाँ की सच्चाई बयां कर रहा है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा था। और सरकार आखिरकार एक्शन में आई, सरकार के एक्शन में आने के बाद ये सारा कुछ आपके सामने जमी दोज होता दिख रहा है, यानी कि मलबे में ढेर कर दिया गया है। हालांकि अगर कुछ लोग कहें सरकार पे दो सवाल खड़े करें, तो अभी हम लोगों से यहाँ पर बात किया, लोगों का कहना है कि यहाँ एक स्पेशल समुदाय के लोग यानी मुस्लिम धर्म के लोग ही रहते थे, लेकिन इन्होंने अवैध बस्तियां बना रखी थी, यानी कि अवैध बस्तियां बना करके ये लोग पूरी तरह से रह रहे थे। उसके बाद ये मस्जिद का बनाया जाना, यहाँ पर मदरसे का बनाया जाना, एक पूरी तरह से एक षड्यंत्र के रूप में पूरी तरह से काम चल रहा था। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस सरकार ने आखिरकार वही किया जो करना था, सबका साथ सबका विकास, यानी कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं, अगर गलत है तो गलत है। हम दिखाएंगे, देखना, दिखाना चाहेंगे कैमरा पर्सन से, चारों तरफ दिखाएं, और आप सभी से चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करिए, क्या ये ध्वस्तीकरण का काम सही है या नहीं है आप बताइए, और चारों तरफ कैमरे की नजर डाल के दिखाइए कि आखिरकार साहब ये सही है या नहीं है। ये देखिए आपके सामने यहाँ छतों पर गिरे हुए मलबे, ये देखिए नालियां, ये सब कुछ आपके सामने है, और किस तरह से इस पूरे एरिया पर कब्जा किया गया, और कब्जा करने के बाद आपके सामने पूरा का पूरा क्लियर तरीके से व्यू दिख रहा है। सुरक्षा चाक चौंध है, यहाँ पर चका चौंध है, और देखिए चारों तरफ से आपको दिख रहा है बुलडोजर लगे हुए हैं। हालांकि ध्वस्तीकरण का काम जो है लगभग लगभग यहाँ पर पूरा कर लिया गया है, कुछ घर बाकी हैं जो उस पार दिख रहे हैं, अभी जो आपको दिख रहे हैं वो रोड के दूसरी तरफ है, वहां कुल 101 शोरूम है, जिन 101 शोरूम पर ये सारा चीज दिख रहा है, 101 शोरूम है उन पर ये दिख रहा है कि वो तोड़े जा रहे हैं, और ये सभी शोरूम जो थे वो अवैध बने हुए थे। और अब आपके सामने सारा कुछ है और दिख रहा है कि आखिरकार क्या योगी आदित्यनाथ ने सही किया या नहीं सही किया है। 10 मार्च के बाद दोबारा से ध्वस्तीकरण का काम शुरू हुआ है, क्योंकि 10 मार्च को चुनाव का ऐलान हुआ था, उसके बाद इसको रोक दिया गया था, उसके बाद जा करके अब इसका काम शुरू हुआ है, और आपके सामने है पूरा का पूरा परिणाम, और देखिए इस प्रकार से यहाँ पर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद दिखाएंगे आपको कि आखिरकार सिक्योरिटी का यहाँ पर क्या है, और एक बार जितना हो सके मलबे को दिखाते जाएं और करते जाएं। ये देखिए अब इसमें करते करते मेरे शूज तक फट गए, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर आना बड़ा ही घातक है। और ये देखिए यहाँ पर दिखाएं एक बार, ये देखिए बेसमेंट में दुकानें बनी हुई थी, देखिए आप दिखाएं एक बार, ये बेसमेंट में दुकानें बनी हुई थी, ये देखिए इधर साइड में देखिए ये दुकानें बनी हुई थी, ये आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए तोड़ा गया इनको, देखिए ये बेसमेंट में दुकानें बनी हुई थी, यानी कि इतना इलीगल काम था, सारा बेसमेंट तक बीम बना हुआ था और इनको तोड़ा गया है। अब देखिए यहां से लेके वहां तक पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है आपको, और साफ तौर पर यहां पर देखिए ये बड़े बड़े मशीनें दिखा दीजिए जिनको तोड़ने के काम में लगाया गया था, देखिए इन मशीनों को, ये देखिए कितनी भारी भारी किस तरह मशीनें लगाई गई हैं, उसके बाद उनको पूरे एरिया को तो आखिरकार किया गया, बुलडोजर, सिक्योरिटी काफी है और साफ तौर पर दिख रहा है। और उस पार एक बार फिर से दिखा दें, उस रोड के उस साइड देखिए, रोड के उस साइड भी अभी काम बाकी है, कुछ घर हैं, देखिए शोरूम थे सारे, ये सारे शोरूम थे, यहाँ बीच में टेंट लगे हुए हैं जो सिक्योरिटी के हैं, जो अधिकारी हैं कार्यालय के, जूम करके दिखा दें एक बार उस बीच में जाके,
ये अधिकारियों के देखे बने हुए हैं और यहाँ पर अधिकारी हैं, 24 घंटे गश्त लगे हुए हैं। यहाँ लखनऊ विकास पा एलडीए का ऑफिस भी बनाया गया है जहाँ लोग हैं। और देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर लोग और भी हैं। एलडीए का ऑफिस बनाया गया, देखिए आपके सामने साइट ऑफिस लखनऊ विकास प्राधिकरण का ऑफिस है। इसके पीछे देखिए जो दुकानें अवैध थी उनको तोड़े जा रहे हैं। अभी अधिकारी यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, पुलिस भी गश्त कर रही है। देखिए ये है असली, ये पूरा का पूरा। तो हमने दिखाया है रोड की एक तरफ का एरिया। अब आपको मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और ये क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। और अब आपको थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए उस रोड के उस पार चलेंगे और रोड के उस पार भी चलते हुए देखते चलेंगे। टेम्परेचर ज्यादा है और गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है, लेकिन देखिए आपके सामने मैं सिर्फ फिर से एक बार मदरसे को मेन गेट दिखाना चाहूंगा। ये चलिए वहां चलते हैं, हम एक गेट दिखाना चाहूंगा। अब देखिए आपके सामने दिख रहा है मैं, लेकिन एक चीज देख लीजिए साहब, सरकार है लेकिन अभी भी यहाँ पर घर तो गिराए जा चुके हैं, लेकिन एक मदरसे का गेट है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, मदरसे का गेट है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसको अभी तक टच नहीं किया गया हुआ है। वो अभी तक उसी प्रकार से ही एज इट इज है जैसा अब तक था। ये देखिए, अब आपके सामने है, एक बार चाहेंगे तो गेट को थोड़ा सा जूम करके ले लें। देखिए यहाँ पर एफजेड पब्लिक स्कूल यानी जामिया फातिमातु जाहिरा इलाबनाहू कुछ करके एक यहाँ पर मदरसा भी था, जिस मदरसे का गेट अभी भी है। आपके सामने मदरसे का गेट दिख रहा है, बाकी मलबे में तब्दील हो चुका है। और इसके बगल में देखिए, ये देखिए आपके सामने, हम काफ़ी इसमें देखे पास आ चुके हैं, ये मदरसा था और ये मदरसा हमें दिख रहा आपको। और ये देखिए किस तरह से ये अवैध थी सारी चीज़ें, जिन अवैध चीज़ों को अब तोड़ा गया है और अब आपके सामने है परिणाम कि गलत कुछ हो रहा है तो उस गलत को सही किया जाना मेरे ख्याल से सरकार का फर्ज है, शायद वही किया गया। और अब देखिए यहाँ से साफ एक चीख रहा होगा, पहले वहाँ दोनों पास में दिख रहे होंगे, मदरसा मस्जिद मदरसा और अवैध बस्तियां, अवैध बस्तियों के साथ मदरसों का होना साफ तौर पर क्या दर्शाता आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अवैध बस्तियों के साथ मदरसे का होना पूरी तरह से एक तरह से कब्जा करने का, ये पूरी तरह से पूरी प्लानिंग थी, फुल प्रूफ प्लानिंग थी जिसकी अब सरकार ने इसको जमींदोज कर दिया है। आखिर आपको क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला कैसा है, क्या ये किया जाना चाहिए था नहीं किया जाना चाहिए था? सरकारी बगल में कुकरेल नदी बह रही है और उसको लेकर के और उसके साथ ही लोग देखिए किस तरह से यहाँ कर रहे हैं। भैया आप लोग यहीं से हैं कि दूर से क्या घूमने आए थे, देखने आए थे क्या सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं समझ में आ रहा अभी, अभी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा, बच्चे हैं तो युवा हैं अभी थोड़ा सा, अभी एज आपके कितने बच्चे भैया? 15 साल, तो अभी बच्चे नहीं समझ पाएंगे क्या है हो रहा है। लेकिन आपके सामने है ये दिख रहा है, बच्चे हैं घूमने आए थे देखने आए थे कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो ये है सामने सिक्योरिटी पुलिस बल, पीछे देखिए बहुत भारी मात्रा में है लोग, पब्लिक भी हैं। हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक बार फिर से क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और वो करेंगे। आप सभी से चाहेंगे इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुँचाएँ। और भैया आप यहीं से हो, तोड़ने काम कर रहे हो? जी नहीं। अच्छा, हम सर सामान निकालते हैं, जो लोग मजबूर हैं जैसे कोई मरीज है नहीं निकल पा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, उसकी मदद करना हमारा। अच्छा, क्या नाम आपका भैया? जी हमारा नाम रमेश गिरी। रमेश गिरी जी, अच्छा लोग निकल गए अब तक? लगभग तक लोग लगभग 90% निकल चुके हैं। अच्छा अच्छा, 10% जो भी बचे हैं उनको भी हमारे श्रमिक बराबर निकाल रहे हैं और बराबर उनकी सेवा की जा रही है। सरकार का सहयोग मिल रहा है? जी बिल्कुल, सरकार का सहयोग मिल रहा है। हाँ। लेकिन कुछ
ऐसे बंदे हैं जो जिन्होंने अपना ऑनलाइन नहीं कराया, उनको घर नहीं मिला है, लेकिन उनको भी हमारा सरकार से अनुरोध है कि उनको भी घर दे दिया। मतलब उनकी गलती की वजह, किसी गलती की वजह से नहीं मिल पाया, बाकी लोगों को मिल गया। सर कोई अनपढ़ भी होता है, हाँ। नहीं समझ पाता है, ऐसा वही चीज है। मतलब कुछ गलतियों की वजह से बाकी मिल गए लोगों को। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये जैसा बता रहे हैं कि लगभग लोगों को घर मिले हैं, कुछ लोगों के हैं जो गलतियों की वजह से उनको शायद घर नहीं मिल पाए हैं, तो ये कारण रहा है, कि नहीं तो बाकी लोगों को घर मिल रहा है। ये लोगों अपनी अपनी सब लोग राय रख रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, और हम जिस तरह से उन्होंने बताया, और काफ़ी लोग की जितने लोग की राय ली है वो साफ तौर पर है। हाँ भैया बताइए, कहाँ से है भैया? हम हैं तो बाराबंकी से, लेकिन यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, क्या है, क्या क्या नाम आपका? सही है, शिवान सिंह। शिवान सिंह, कैसा लग रहा है, क्या जो चल रहा है? ठीक लग रहा है, हाँ। ये काफी अच्छा काम है, यहाँ अस्पताल बनाना है, जमीनें की गई, यहाँ अस्पताल बनाना चाहिए, बहुत अच्छा हाँ। किया गया है, जैसे राम मंदिर पे सब कहते थे अस्पताल बनाना चाहिए, यहाँ भी बनवाना चाहिए, अस्पताल बनवाना चाहिए। लगेगा कि कैसा लगता है जब खुद का घर जाए तो अस्पताल बनाने के लिए। देखिए एक चीज है, खुद का घर एक लोगों को मैसेज अवैध है, अवैध है, तो अवैध में खुद का घर नहीं होता। नहीं, अवैध खुद का घर नहीं, अवैध में खुद का घर नहीं होता। हम राम मंदिर से ऐसे कंपेयर नहीं करते हैं सकते हैं, क्योंकि वो राम का मंदिर था, वहां पर था, वो था, है, अब तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर अवैध बस्तियां, देखिए ये मस्जिद है और ये बना दिए गए, क्या चीज है? अगर लीगल होता तो सरकार तोड़ी नहीं सकती थी, पहली बात तो ये इलीगल था तभी तोड़ा गया। तो अगर तोड़ा गया, अब इसमें कुछ अच्छा काम करें जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, हाँ। जिससे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो लखनऊ के स्टेट के, तो ये काम बहुत अच्छा है, ऐसा काम होते रहना चाहिए। अच्छा होगा जो भी होगा, सरकार कुछ गलत नहीं करेगी, सरकार कुछ गलत नहीं कर रही है, सरकार जो करेगी। लोग हिंदू मुस्लिम एंगल से इसको प्रकरण को लेने लगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये हिंदू मुस्लिम के एंगल से लिया ही नहीं जाना चाहिए। अगर जो चीजें कब्जा की गई, अब हमारे घर पे जो हमारा घर ना हो, हाँ। और हम किसी के घर, आपके घर पे हम कब्जा करके रहने लगेंगे, कल को हमारा घर तोड़ा जाएगा, उसे हम बताएंगे वो हमारा घर है, तो ये चीजें गलत है, जो गलत है वो गलत है, तुम्हारा हो जाए, उसके लिए आप ये कहिए नहीं ये सही है। तो चलिए, आप लोग राजनीतिक आ रहे हैं, अभी जो परिणाम आए हैं, परिणाम में तो सुपड़ा साफ कर दिया, आप करो, आप कहाँ, बाराबंकी से हैं जी? बाराबंकी से उधर सुपड़ा साफ कर दिया, क्या कहेंगे? वो हुआ है, वो कुछ चीजें हुई जो स्थानीय लोग जो थे वो कैंडिडेट से नाराज थे, मजबूरी में उन लोगों को वोट देना पड़ा। ये बाकी अगर अभी पर्सनली जाके पूछेंगे, वो लोग दिल से खुद भी नाराज है, जो वोट दिए हैं वो लोग खुद नाराज है कि हम दे दिए हैं, लेकिन मतलब वो एक्सीडेंटली गलती हुई है, हुई है। अखिलेश यादव तो फूले ने संभा रहे हैं, तो वो 2022 में हारे, 17 हारे, वो तो है 27 में पता चले। अखिलेश यादव जाति का। अच्छा एक चीज बताइए, वो वोट के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है? हाँ, वो का एक चीज और सुने हुए हैं, जहाँ क्लेम करते वो जमीन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता आदमी, ये एरिया कहीं उस जद में तो नहीं करने का प्लान था, ये पूरे देश को इसी प्लान में था, वो तो सरकार आगे तो सरकार नहीं है, नहीं तो वो तो बहुत पहले लोग सोचते हैं कि बीजेपी क्या की, लेकिन बीजेपी आने वाली पीढ़ियां समझ पाएंगी बीजेपी क्या की, आज के लोग नहीं समझ पाएंगे। हालांकि कुछ चीज दिक्कत है, पेपर लीक जो भी लीक है, ये चीजों को अगर हटा दे तो जैसे होता है अच्छाई बुराई, तो अच्छाई ही ज्यादा है सरकार, कांग्रेस तो उसकी आइडियोलॉजी पता नहीं क्या है, उनके कैसे कार्यकर्ता पूछिए आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी अभी जल्दी में जो उनका निकला तो ये भी नहीं बता पाएंगे उनकी आइडियोलॉजी है क्या। हाँ। बस मिल गए एक साथ आकर के किसी तरह सराहने के लिए, उनका इस देश से प्रेम नहीं है, सच बात है, कांग्रेस इस देश से कोई प्रेम नहीं, उनको बस रहना है, खाना है, बस उनका यही चलता रहे, उनका एक विशेष प्रेम नहीं इस देश से। अच्छा एक चीज बताएं, दोस्तीकरण का काम हुआ, और यहाँ पर कहीं से मैंने जितने लोग से पूछा मैंने अभी तक, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि नाराज है, सभी खुश हैं, कह रहे हैं उनको घर मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह की चीजें जिस तरह से अब दिख रही हैं, यहाँ पर सब चीज बढ़ चुका है, 3 मस्जिद और एक वो अभी रुकी हुई है, और नहीं दिखाई दे रहा, वही सबसे बड़ी भाई देश है, देश है, सेकुलर देश है, मंदिर दिखाई नहीं पड़ रहा, ये चीजें देखिए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान हमेशा से खड़ा होता है, वो बोर्ड पर ये आने वाली पीढ़ियां जब उनको पता चलेगा बीजेपी किस लिए आई थी और किस लिए जो लोग आज वोट नहीं दे रहे हैं ये खुद भी मिट जाएंगे। देखिए लोगों का कहना, मैं आपको कह रहा हूँ, ये है जनता की आम नब्ज, अब इसमें लोग कहें कि हम कुछ और दिखाएंगे, हमने जितने लोगों से बात की सभी लोग कहें कि योगी आदित्यनाथ अच्छा कर रहे हैं, और ये टूटना चाहिए, अवैध बनाए गए हैं लोग, चुनाव में आपको पता चल जाएगा कितना लोग अच्छा हुआ, जो ये हुआ था चुनाव हुआ था, जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें लोग से हम जो पूछे, हम खुद भी पर्सनली पूछे, तो उनको नाराजगी ज्यादातर कह रहे थे कि योगी जी ने तो लिस्ट दी थी 15 लोगों की, इनको ना चुनाव लड़ाया जाए, सब हार गए, तो योगी से किसी की नाराजगी नहीं थी,
जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत तगड़ा है। हम लोग बचपन में सपा सरकार देखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि सपा सरकार ही नहीं देखें, तो सब अंतर दिखता है, सब कुछ। इसलिए दूसरी बार 22 में जीती, तीसरी बार भी तो 2027 में सब पता चल जाएगा। चलिए एक सवाल पूछ लेता हूँ, वह बोर्ड को खत्म किया जाना चाहिए नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल मेजोरिटी आई नहीं, अभी एक बार खत्म हो जाता। हम लोग का तो की बार यही था। लेकिन खेल तो मोदी सरकार ने किया हुआ बहुत बड़ा, ये खत्म होना चाहिए। जब हम ये किया हुआ है कि नीतीश कुमार और टीडीपी से पहले दिन ही कह दिया था कि अगर आपको सत्ता में रहना तो हमारे हिसाब से रहना होगा, नहीं जाकर के हम विपक्ष में बैठेंगे और सरकार बनाइए। तो खबर तो यहाँ तक आ रही है कि जो भी काम है कोई रुकेंगे नहीं। पहली बात तो ये है कि इन दोनों को जाने से, टीडीपी के जाने से या नीतीश कुमार के जाने से सरकार उधर बनेगी नहीं। गाड़ी तगड़ लगाई है, 264 ही होगा, 30 दोनों को मिला के तो गड़ी तो, और अन्य का जो है बड़ी पार्टी है, पहला चांस उसी को दिया जाएगा। और अन्य का जो सपोर्ट है 10 का तो इनको मिल चुका, 6 ही बचा है, तो कोई गड़ी बैठती नहीं है। तो आदमी कुछ भी सोचता है, स्टेबिलिटी से एक जगह रहें। और बात रही बीजेपी की आइडियोलॉजी की, तो उसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व पे बनी थी। बीजेपी पार्टी खत्म हो जाएगी, उसकी आइडियोलॉजी नहीं खत्म होगी, वो कुछ ना कुछ तरीके से उस चीज़ को करेंगे जरूर। चलिए भाई, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आप लोगों ने किस तरह से लोग अभी भी पब्लिक योगी आदित्यनाथ के उस फेवर में, एक बार पीछे दिखाएं, सिक्योरिटी चेकअप देखिए, पुलिस स्टार तक तैनात है, बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही हैं और छोटी गाड़ियों को सिर्फ बाइक को आने जाने दिया जा रहा है। और यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है जिस तरह से ये जमींदोज किए गए हैं, लोग इस बारे में साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये कोई गलत काम नहीं हुआ है ध्वस्तीकरण का। लोगों को घर दिए जा रहे हैं और घर देने के बाद अब लोग कुछ है ऐसी परिस्थितियां जिन परिस्थितियों में कई लोगों को घर नहीं मिले हैं, लेकिन वो शायद ऑनलाइन उन लोग अप्लाई नहीं किया था, इसलिए लखनऊ विकास प्राधिकरण का यहाँ ऑफिस भी है जिसके जरिए घर दिए जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप कैमरा पर्सन चाहेंगे कि हम बाहर की तरफ निकलें और हम सीधे तौर पर ये अब मैं आगे तरफ दिखाता जाता हूँ आपको, और हम उस पार से चलेंगे जहाँ पर लोग अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी जन जहां पर हैं, उसके बाद हम बाहर की तरफ दिखाएंगे। देखिए ये देखिए पुलिस सिक्योरिटी चेक अब सब तरफ से चल रहे हैं, देखिए पुलिस चारों तरफ बंद है, देखिए शोरूम सारे जितने शोरूम से वो सब तोड़े गए हैं। और ये तोड़ना सरकार का जिस तरह से था, देखिए आपके सामने है पुलिस समय, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। आगे बढ़ते हम दिखाते हुए चलते हैं हम क्या क्या चीज़ें थी। और ये देखिए यहाँ पर अलग अलग, ये देखिए यहाँ पर मलबों को किस तरह से तोड़ा गया है, एक बार इसे भी दिखा दें। ये देखिए ये लगभग 101 शोरूम थे यहाँ पर जो सारे अवैध थे, और काफ़ी मतलब इसमें अगर देखा जाए लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, लेकिन फिर भी अवैध थे तो अवैध थे, उनको तोड़ा जा रहा है। और पीछे मैंने आपको जैसा कि दिखाया कि एक एक चीज़ें घरों को जिनको तोड़ा गया, आप देखिए यहाँ पर अधिकारी उनका अंदर देखिए इस तरह से, देखिए आवास यहाँ पर लोग अधिकारी बैठे हैं, सीआरपीएफ के सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है, मतलब काफ़ी है। और यहाँ लोग बाहर खड़े हुए हैं, कुछ लोगों की जो समस्याएं यहाँ के लोग हैं और वो लोग अपनी डिमांड क्या इनके घरों के बारे में लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण का ऑफिस है, ये सामने आपके दिख रहा है, साइट ऑफिस बना दिया गया है, यहाँ पर लोग हैं। और ये देखिए नगर निगम का अलग से पानी पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, लोग पानी पिए। और देखिए आपको दिख रहा है ये देखिए लोग अब इस समय, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, जितना चीज़ें हैं मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कुछ है यहाँ का मामला ये सारा कुछ देखिए। और देखिए अभी भी उस साइड रोड के उस साइड भी बुलडोजर चल रहे हैं, जो कि क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें ये कुकरेल, ये जिस तरह से गोमती रिवर फ्रंट था उसी के पैटर्न पर इसको भी बनाया जाना है। अब देखिए इस तरफ भी, अभी यहाँ देखिए इसके इस तरफ भी, अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए ये इस तरफ देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आप देखिए खुद देखिए किस तरह से बने हुए हैं, पक्के मकान तक बनाए गए हैं। शायद इन्हीं सब के अभी घर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी हैं अभी होना, तो ये सब भी अभी ध्वस्तीकरण के उसमें आएंगी, ये सभी भी टूटेंगे। और देखिए कितनी गंदगी है, किस तरह से लोग रहते हैं, तो इनको नया घर दिया जाना एक तरह से इनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनको एक नया जीवन देना है। ये सरकार घर नहीं तोड़ रही है, इनको नया जीवन दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पर चलिए चलते हैं, ये ज़रूर है कि यहाँ पर आबादी जो है वो खास समुदाय की ज़्यादा है, तो इसलिए लोग हो सकता है कि बीबीसी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिसको
जो लेकर के ये बता रहे हैं कि ये एक धर्म के समुदाय के खिलाफ है, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए बगल में रेलवे स्टेशन, देखिए आपको ये रेलवे ट्रैक जा रहा है उस मस्जिद के बगल से, देखिए मस्जिद को दिखाई एक बार दूर से ही, मस्जिद भी आया रेलवे ट्रैक, देखिए रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल से, यानी कि जो चीज़ें हैं दिख रही वो आपके सामने हैं। देखिए मस्जिद के साथ साथ देखिए रेलवे ट्रैक भी है, वो आपके सामने दिख रहा है वो साफ तौर पर। अब देखिए आप साफ आपके दिख रहा है बगल में मस्जिद। और मेरा ही आने का पर्पस ये देखना ही है कि आखिरकार कैसे अवैध चीजें कब्जा कर ली जाती हैं, धीरे धीरे करके उसको अपना बना लिया जाता है और बाद में जब सरकारें उस पर कार्रवाई करती है। व्यवहार आप यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी आवाज पहुँचता है लोगों से पूछताछ की देखा जितना हो सके अपने हित मित्र तक पहुंचा दें। और कैसा लगा ये कार्रवाई योगी आदित्यनाथ सरकार की जरूर बताएं। बने रहें ऑल न्यूज़ नेशन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।